आषाढ़ में पानी बरसने के स्थान पर प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मॉनसून का दूर दूर तक का पता नहीं। आपको बता दें कि मॉनसूनी बारिश कब से होगी, मौसम विभाग के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। शुक्रवार को गर्मी इतनी प्रचंड हुई कि एक बार फिर 40 डिग्री के पार पारा पहुंच गया। आपको बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता का कहना है, लखनऊ समेत पूर्वी यूपी में 27 से 28 जून तक मौसम में परिवर्तन होने की संभावनाएं जताई जा रही है। गर्मी एक बार फिर से प्रचंड रूप में आ गई है, तो वहीं मॉनसून आने में हो रही देरी के कारण गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। शुक्रवार को उमस भरी गर्मी ने लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया। इसके साथ ही तापमान एक बार फिर से 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इस बार 18 जून को मॉनसून सक्रिय होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 18 जून बीतने के बाद तो वहीं राजधानी में हाल फिलहाल मॉनसून आने की संभावना नहीं है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी से सक्रिय होने वाले मौसम ने तय समय पर आया, लेकिन बंगाल की खाड़ी और पूर्वी पाकिस्तान से उठने वाली सर्द हवाओं के बीच नमी न बनने के कारण मॉनसून भटक गया। बादलों में नमी न बनने के कारण मौसम विभाग के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि राजस्थान से अचानक उठने वाली तीसरी हवा की वजह से ऐसा हुआ है। तो वहीं तीन दिशाओं से उठने वाली हवाओं की वजह से यूपी में न प्रवेश करने वाला मॉनसून कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से भीषण गर्मी का एहसास प्रदेशवासियों को सहने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।